इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉकेट के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना पैड, पैड में क्या होता है और इसको इसका यूज कैसे करते हैं, इस सब के बारे में हम लोगों ने जाना। अब इस वीडियो में हम पॉकेट देखते हैं। तो पॉकेट यूज करने से पहले हम लोगों को ये पैड करना है, एक सॉलिड मटेरियल्स होना ज़रूरी है, तभी उस पर हम पॉकेट कर सकेंगे। पॉकेट का मतलब होता है कि सॉलिड मटेरियल में से रिमूव करेंगे, तो सॉलिड मटेरियल्स होगा तभी तो रिमूव करेंगे। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर एक सॉलिड मटेरियल क्रिएट करना होगा पैड के थ्रू। उसके बाद हम जाएंगे पॉकेट में। तो पॉकेट में जाने से पहले चलिए यहाँ पर एक और स्केच करते हैं जिससे हमको पॉकेट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम ये स्केच कर दिया। उसके बाद अब हम जाएंगे एग्जिट में, इसे मुझे पॉकेट करना है, इसे क्लिक करेंगे और सेम उसी तरह खुलेगा प्रोफाइल जिस तरह यहाँ पर खुला था, पॉकेट में खुलता है। डायमेंशन देना है, डेप्थ देना है, स्केच 4 है जो सिलेक्ट है। उसके बाद थिकनेस अगर ओके करते हैं तो यहाँ पर थिकनेस हम दिख जाएगा, यहाँ पर इस तरह का थिकनेस। और इसे हम प्रीव्यू करके यानी देख सकते हैं किस तरह का ये दिखेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पॉकेट हो गया, मीन्स मटेरियल्स रिमूव हो गया है। चलिए इसे हम बैक चलते हैं और अब हम देखते हैं, इसे हम सिलेक्ट करते हैं, स्केच 4 यानी ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं ड्राफ्टेड फिलेटेड पॉकेट, जो कि यहाँ पर हम लोग देखे थे ड्राफ्टेड फिलेटेड पैड, उसी तरह ये काम करता है लेकिन ये पॉकेट करेगा। तो यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पर सिलेक्शन के लिए पूछ रहा है, तो चलिए इस फेस को हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद एंगल 5 डिग्री और ये सब रेडियस है जो फिलेट करने के लिए यूज होता है, इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है एज और फेस नॉट फाउंड, रीसिलेक्ट दी एज और फेस ऑन करेंट ज्योमेट्री, ये मैसेज आएगा क्योंकि यहाँ पर एंगल 5 डिग्री के साथ ये नहीं बना पाएगा, इसलिए इसे हम ऑफ करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे तो ये देखिए सिर्फ यहाँ पर फिलेट हो चुका है, देख सकते हैं फिलेट हो चुका है। तो हम यहाँ इसके साथ साथ ड्राफ्ट भी करने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए एज फिलेट में जाएंगे हम। चलिए बैक चलते हैं, फिर से हम यहाँ पर आते हैं ड्राफ्टेड फिलेट पॉकेट में। लिमिटेड यहाँ पर हम इस फेस को रखते हैं, उसके बाद इसका हम डेप्थ 20 रखते हैं, 10 रखते हैं और यहाँ पर 5 एंगल डिग्री है। उसके बाद ओके करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर ये, और यहाँ का डिस्टेंस आप देख सकते हैं ये 5 एंगल के साथ ये फिलेट हो गया है, ड्राफ्टेड भी हो गया है। बैक चलते हैं और यहाँ पर इसका हम 50 है, इसे 20 रखते हैं इसका डेप्थ और एंगल हम रखते हैं 30 डिग्री। यहाँ पर सिलेक्शन के लिए इसे सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद ओके करते हैं तो अब 30 डिग्री एंगल के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राफ्ट हो चुका है, देखिए 30 डिग्री एंगल के साथ और यहाँ पर ये फिलेट भी हो गया है। तो इस तरह से इसे यूज करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं, तो अब हम मल्टी पॉकेट के बारे में जानते हैं। चलिए मल्टी पॉकेट के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्केच करते हैं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का मैंने यहाँ पर स्केच किया जिसको पॉकेट करना है, ये लिया। उसके बाद ये सर्किल, चलिए ये दो काफ़ी है। उसके बाद हम एग्जिट में चलते हैं और मल्टी पॉकेट में चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2, तो इसको हम डिफरेंट डिफरेंट डिप्स दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको दे दिया 20, 50 दे देते हैं, यहाँ पर हम अप टू, यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं है, चलिए यहाँ पर हम 50 देते हैं। उसके बाद इसको हम दे देते हैं 20 और ओके करते हैं। अब देख सकते हैं ये 50 है जो कि ये लास्ट तक ये पॉकेट हो चुका है, ये 20 तक पॉकेट हो चुका है। तो इस तरह से हम मल्टी पॉकेट का यूज करेंगे। अगर मुझे यहाँ पर ज़्यादा स्केच रहे और सभी का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंस देना है, डिफरेंस डिस्टेंस के साथ मुझे इसे पॉकेट करना है, तो इसका मल्टी पॉकेट का यूज करेंगे। अगर एक ही स्केच है तो पॉकेट का यूज कर सकते हैं। ड्राफ्टेड फिलेट पॉकेट में हम लोगों ने देखा किस तरह से ड्राफ्ट और फिलेट करते हैं और उसके साथ ये पॉकेट हो जाता है। चलिए हम लोगों ने ये दो
टूल्स के बारे में जाना है, इम्पोर्टेंट्स ये दोनों टूल्स था पैड और पॉकेट में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सॉफ्ट और नेक्स्ट ये सब सारे टूल्स के बारे में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सब के टूल्स के बारे में देखेंगे। बाय।